मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के अंतर्गत असंगठित बांधकाम कामगार विभाग की ओर से महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। इस दौरान उनका कहना था कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाए, अन्यथा 10 नवंबर को उनकी ओर से महाराष्ट्र के 36 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा देने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों की वजह से राज्य भर की एसटी बस सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी है। इसकी वजह से मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बस स्टैंड पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। इसी बीच राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के अंतर्गत असंगठित बांधकाम कामगार विभाग की ओर से इन कर्मचारियों के बंद को समर्थन दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगे, जैसे MSRTC का राज्य सरकार के अंतर्गत विलीगीकरण, कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को मुआवजा और कर्ज माफी का समावेश है, उन्हें पूरा किया जाए। इस संगठन ने जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया जा रहा है, उन मुद्दों को समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और समर्थन इन जिन मुद्दों को देने के लिए आए तो गए। इसके अलावा राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से 3 नवंबर 2021 से लेकर 10 नवंबर 2021 तक कालीपीत निषेध आंदोलन किया जा रहा है और ये कालीपीत निषेध आंदोलन करके सरकार के ऊपर हम लोग ये दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि ये जो जिन मुद्दों के लिए आंदोलन चल रहा है उसका समाधान निराकरण आप जरूर करें। अगर आप ये 4-5 दिनों के भीतर में समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले 10 तारीख को महाराष्ट्र के 36 जिलों में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के ओर से धरना प्रदर्शन द्वितीय चरण में किया जाएगा। तो जिन मुद्दे मतलब उसमें से पहला जो मुद्दा है कि MSRTC का राज्य सरकार के अंदर में विलीनीकरण करना चाहिए, पहले नंबर का है। कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने आत्महत्या किया उनको कम से कम मिनिमम 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों ने समय पर पगार नहीं होने की वजह से आत्महत्या की है। अभी 10-15 दिन पहले वहां पर काकड़े नाम के हमारे कर्मचारी ने पीछे में फांसी लगा ली है। इस वक्त उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों के साथ समझौता नहीं किया तो उनकी ओर से 10 नवंबर को महाराष्ट्र के 36 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।